पहुंच चुके हैं A1 साउथ इंडियन मसाला डोसा। रामू के मसाले डोले खाने आ गए हम, ये देख सकते हो आप। तो चलिए अभी डोसा बनवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फेमस डोसा सेक्टर 10 में। सो गाइस आ चुका हमारा, देख सकते हो आप। और ये लो सर्विस हुई है बहुत सुपर फास्ट अन्ना भाई की तरफ से। बेस्ट डोसा आ चुका हमारा, देख सकते हो आप। जी हमारी लोकेशन है राजनगर सेक्टर 10 गाजियाबाद में। अच्छा, और यहाँ पे हम 15 साल से हैं। अच्छा, बाकी आप टेस्ट कर चुके हैं, सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट आप ले लो बड़ा पनीर ले लो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फाइनली आ चुके हैं एक और फूड व्लॉग लेके आपके लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता आज बारिश का मौसम है, बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है, तो क्यों ना सोचा कि बाहर का कुछ खा लिया जाए। रात का टाइम हो रहा है मस्त, तो आज मैं आ गया हूँ सेक्टर 10 की मार्केट कवर करने। और सेक्टर 10 की मार्केट में आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको फेमस चीज़ें, और जो कि एक सबसे फेमस चीज़ है यहाँ पे साउथ इंडियन डोसा। तो मैं डोसा ट्राई करने वाला हूँ और वो दिखाऊंगा आपको, और रिकमेंड करूंगा कि कैसा है, आप ट्राई कर सकते हो आके। तो चलिए लेके चलते हैं आपको, पहुँच चुके हैं सेक्टर, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। टेक केयर। सो गाइस पहुंच चुके हैं सेक्टर 10 के मार्केट, और देख सकते हो आप ट्रैफिक कितना खतरनाक है आज बारिश वाले दिन। सब लोग आ चुके हैं घर से बाहर खाने के लिए मस्त। तो ये देख सकते हैं पहुंच चुके हैं A1 साउथ इंडियन मसाला डोसा। रामू के मसाले डोले खाने आ गए हम, ये देख सकते हो आप। तो चलिए अभी डोसा बनवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फेमस डोसा सेक्टर 10 में। एड्रेस है F62 राजनगर। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, और ये मेन मार्केट है, चौराया है देखो सेक्टर का, मिलते हैं फिर आपको। सो गाइस पहुंच चुके थे हम A1 मसाला डोसा खाने के लिए A1 पे, और बहुत ही अल्टीमेट यहाँ पे डोसा मिलता है। बट भीड़ देख सकते हो आप, नेक्स्ट लेवल क्राउड आता है, देख सकते हो। A1 साउथ इंडियन मसाला डोसा यहाँ पर सेक्टर 10 में मिलेगा आपको, और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, नंबर आता है थोड़ी देर में, क्योंकि क्वालिटी बहुत बेस्ट है इनकी, तो इसलिए आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट आपको बेस्ट क्वालिटी का खाना मिलेगा, खाने को मिलेगा कल तक मसाला डोसा। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको रेसिपी बनाने की इनकी प्रोसेस। भैया सो गाइस आ चुके हैं अंदर, देख सकते हो यहाँ पे, और ये बन रहा है देखो सामने सामने 7 डोसे एक साथ बन रहे हैं। 7 डोसे भैया बना रहे हैं, सरप्राइज आ चुका हमारा, देख सकते हो आप। और ये लो सर्विस हुई है बहुत सुपर फास्ट अन्ना भाई की तरफ से। बेस्ट डोसा आ चुका हमारा, देख सकते हो आप, लुक इसका एक नंबर। और चलिए टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा सीन है। ये है भाई हमारा साउथ इंडियन अन्ना भाई का डोसा, चलिए टेस्ट करते हैं। दिल्ली से है सरप्राइज, चलिए अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। सांभर कैसी है एकदम? बहुत अच्छा नाम। और चटनी और टेस्ट करके बता दो कैसी है दोनों? कोकोनट की चटनी बिल्कुल वैसी है जैसी हमने सोची थी, और ये रेड वाली है अल्टीमेट। अगर ये आप मुझसे पूछे सारा कॉम्बिनेशन बहुत बहुत। तो गाइस देख सकते हो 5 अन्ना भाई का डोसा हमारा, और आ जाओ सारे सारे और खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो सेक्टर 10 की मार्केट में। तो चलिए अभी मैं भी जरा खा लेता हूँ, फिर टेस्ट करके बताता हूँ आपको। क्या बहुत बढ़िया सांभर, अल्टीमेट है। चलिए अभी इंजॉय कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस ये भाई है यहाँ पे हमारा, क्या नाम है भाई तुम्हारा? अनिल बलसन। अनिल बलसन नाम है भाई, तुम यहाँ काम करते हो? हाँ जी। बता दो जरा लोकेशन एक बार जनता को। बड़ी जी हमारी लोकेशन है राजनगर सेक्टर 10 गाजियाबाद में। अच्छा, और यहाँ पे हम 15 साल से हैं। अच्छा, बाकी आप टेस्ट कर चुके हैं, सबसे बेस्ट डोसा कौन सा है? सबसे
सबसे बेस्ट आप ले लो बटर पनीर ले लो। बटर पनीर डोसा क्या प्राइस है? 90 रुपए। तो गाइस ट्राई कर सकते हो आप, ये भैया बना रहे हैं और ये भाई यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया पीछे। तो चलिए निकलते हैं फिर। सो गाइस चलिए डोसा खा लिया हमने, देख सकते हो आप अन्ना डोसा, और भीड़ देख सकते हो अनलिमिटेड भीड़ है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, नंबर आना इजीली होता नहीं है। तो चलिए अभी हम निकलते हैं डोसा खा के शेरों में चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, फ्रेश डोसा, फ्रेश चटनी, फ्रेश सांभर ये तो मिलेगा और स्वाद एक नंबर लगेगा आपको। तो चलिए फिलहाल के लिए निकलते हैं यहाँ से और मज़ा आ गया डोसा वोसा खा के, बढ़िया लगा डोसा बहुत मस्त डोसा है, ट्राई कर सकते हो सेक्टर 10 में आके, A1 नाम है भाई का, कल अन्ना भाई का डोसा है। तो चलिए फिलहाल शेरों में पहुँचते हैं, फिर ब्लॉग को एंड करेंगे, मिलते हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं अन्ना का डोसा खा के, A1 डोसा खा के आ चुके हैं मस्त वाला एकदम, और बहुत ही बढ़िया सी फीलिंग आई है, बहुत मस्त लगा है खा के। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली, सेक्टर 10 में ऑलरेडी फेमस है बहुत वो, बट जिन जिनको नहीं पता राजनगर गाजियाबाद में वो लोग ट्राई कर सकते हैं आके डेफिनेटली, जिन्होंने नहीं खाया है। और कभी नगर में भी अन्ना बैठते हैं, बट ये वाले बहुत पुराने और बहुत बढ़िया है, तो इनका ट्राई करो डेफिनेटली। तो चलिए फिलहाल के लिए अगर निकलते हैं और कल इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो आई होप आप लोग हमारे फूड ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसे लग रहे हैं आपको। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।